एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्ले पॉट से बने डीआईवाई प्लांटर, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे और साथ ही आपने मेरे बालकनी मेकओवर वीडियो में भी देखा होगा। अगर आपने मेरा बालकनी मेकओवर वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, आपको वो जरूर पसंद आएगा। तो आज हम इस प्लांटर का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक गार्डनिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ और वो है ये मुझे रिसीव हुआ है लेजी गार्डनर वेबसाइट से। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल की इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है और इको फ्रेंडली भी है। ये इस तरह के पेपर बैग में पैक है, तो इसे ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, ग्रीन स्टिक्स एंड ब्लूम स्टिक्स। तो बेसिकली ये प्लांट फूड स्टिक्स हैं, जिन्हें स्पेशली होम गार्डनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। हम में से बहुत सारे लोग होम गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, लेकिन कई बार समय की कमी या फिर कई और रीजन से हम प्लांट्स का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, उन्हें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे प्लांट का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाता या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल हैसल फ्री एंड मेश फ्री है और ये पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर है। ये एक स्लो रिलीज प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके नेक्स्ट 45 टू 60 डेज के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। हमारे प्लांट के लिए जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो सारे इसमें अवेलेबल है। अगर आप भी होम गार्डनिंग के शौकीन है और अपने प्लांट का ग्रोथ अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। ये आप लेजी गार्डनर की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे अभी 40% ऑफ चल रहा है और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। परचेज रिलेटेड और इसके जो भी डिटेल है वो मैं सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसका डेमो मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी, तो उसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा DIY क्ले पॉट प्लांटर। तो इसे बनाने के लिए आपको इस तरह का क्ले पॉट लेना है। ये पॉट आपको रोड साइड जो मिट्टी की चीज़ों के शॉप होते हैं उसमें मिल जाएगी, या फिर जहाँ पूजा की सारी सामग्री मिलती है वहाँ पे इस तरह के पॉट आसानी से मिल जाते हैं। ये जो मैं पॉट यूज़ कर रही हूँ ये मुझे बिरयानी के साथ डिलीवर हुई थी। जी हाँ, पॉट फुल बिरयानी इस तरह के पॉट में बिरयानी डिलीवर करते हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। और नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे ब्राउन कलर और उसमें पानी मिक्स कर लेंगे और इससे इस पॉट को कलर करेंगे। आप चाहे तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, मैं पॉट को थोड़ा और कलरफुल चाहती थी इसलिए मैं इसे कलर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है फेविक्रिल की व्हाइट 3D लाइनर या फिर आप किसी भी ब्रांड का व्हाइट 3D लाइनर यूज कर सकते हैं और हम इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी डिटेल में दिखाया है, तो आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कॉपी करके सेम डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बनाएं। मैं आपके साथ दो डिफरेंट डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट तो हमारा ये है और सेकेंड में हम वॉल लेयर ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है, हमने ऊपर की तरफ भी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर ली है। और बस हमारा ये फर्स्ट पॉट रेडी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप फ्यूचर में इस तरह के और भी प्लांटर आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांटर की तरफ। तो इसमें मैंने वॉर्ली आर्ट ट्राई किया है और मैंने बहुत ही बेसिक सा ट्राई किया है जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी इस आर्ट को फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो मैंने इसे पहले पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ जिससे ये आर्ट ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम वो सेम 3D लाइनर वाला ट्यूब यूज़ करेंगे और हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा एक्रेलिक वाइट कलर है उसे डाल देंगे और बस अब इसी ट्यूब की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे।
तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चाहे तो डायरेक्टली ब्रश से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लें, और हमारा इस तरह से सेकंड प्लांटर भी बनकर रेडी है। मैंने फर्स्ट टाइम वॉली आर्ट ट्राई किया है, तो आपको ये वॉली आर्ट प्लांटर आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के प्लांटर आइडिया गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बस एक क्ले पॉट ले लें, उसे पेंट कर लें और उसमें एक अच्छा सा प्लांट लगा कर किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि मैंने जो आपको फर्टिलाइजर स्टिक दिखाया था उसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये ग्रीन स्टिक्स हैं, ये आपको लीफी प्लांट के लिए यूज करना है, यानी कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं उसके लिए आपको ये स्टिक यूज करना है। कि जो फ्लावरिंग या फिर कलरफुल लीफ या फिर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट प्लांट्स हैं उसके लिए आपको ये ब्लूम स्टिक्स यानी कि ये रेड स्टिक्स यूज करना है। किस साइज के पॉट के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन उसे मेंशन किए हुए हैं, और आप इसे लेजी गार्डनर की वेबसाइट या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके परचेस कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हम स्टिक लेंगे, और आपको आपकी मिट्टी चेक करनी है, हमारी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि स्टिक आसानी से इंसर्ट हो सके। और बस इस तरीके से हम इसे मिट्टी में डाल देंगे, और नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हमें किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसमें पानी डालते रहेंगे इसके जो भी मिनरल्स हैं वो रिलीज़ होते रहेंगे और हमारे प्लांट को सारे ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।